Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Abubakar and the topic we will discuss today is Darzan glycidic ester reaction. First of all, हम इसकी define की तरफ चलते हैं. उससे पहले हम ये देख लें कि इसमें reactant कौन कौन से use होते हैं and product कौन कौन से use होते हैं. So चलते हैं. The formation of alpha beta epoxy ester basically ये product है और reactant इसमें कौन कौन से हैं, that is aldehyde and that is एंड देर इज अ बेसिक ग्रुप, ये बेस है एंड अल्फा हेलो ईस्टर. अब इसकी हम प्रॉपर डिफाइन पढ़ते हैं. द डार्ज़न ग्लाइसेटिक ईस्टर कंडेंसेशन इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करेगा विद अल्फा हेलो ईस्टर और क्या प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, तो प्रोड्यूस का होगा अल्फा बीटा इपोक्सी ईस्टर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज ग्लाइसिडिक ईस्टर. सो नेक्स्ट हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं और रिएक्शन देखते हैं सिंपल एंड देन इसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल रिएक्शन है. कार्बोनाइल ग्रुप के बाद जो सब फर्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ हमारा है ये अटैच हुआ है हेलोजन, सो हम इसको बोलेंगे अल्फा. अल्फा हेलो ईस्टर, सॉरी ये कॉल आ गई थी, इसको हम बोलेंगे अल्फा हेलो ईस्टर. ये अल्फा का भी आपको बता दिया हेलोजन, हेलो की वजह से लगे एंड इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ईस्टर, और इसमें ये बेस यूज होगी बेसिकली, और ये है एसीटोन या एल्डिहाइड की टोन या एल्डिहाइड, बट ये है एसीटोन, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा. सेम इसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके फर्स्ट वाला अल्फा एंड द सेकंड वन कार्बन इज बीटा कार्बन, और ये इसको हम बोलते हैं एपॉक्सी, और सेम इसी तरह ये वाली चीज को हम बोलेंगे ईस्टर. सो इसका प्रोडक्ट का ये हमारी रिएक्टेंट है, ये बेस है जो उनसे यूज होगी. इसके बाद हम प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर. सो ये इसका रिएक्शन है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट मैकेनिज्म पे चलते हैं. सेम इसी तरह ये सेम वही रिएक्टेंट है दैट इज अल्फा हेलो ईस्टर, सेम इसी तरह ये वो बेस है जो हम पीछे पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, सो ये अटैक करेगा करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस पे गेन हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और हाइड्रोजन लूज किया है, सो दिस इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो हो गया. सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बेसिकली, ये एरो इसके ऊपर होना चाहिए था, बेसिकली ठीक भी है. सो देन इसके बाद फर्स्ट बेस हमने ऐड करा दी, देन इसके बाद हम कीटोन बेसिकली एसीटोन ऐड करवाएंगे. एसीटोन के ऐड करवाने की वजह से सेम इसी तरह ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सो ये यहाँ से होके यहाँ पे अटैक करवा देगा, जिसकी वजह से ये जो सा बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो इस चीज को हम लिख लेते हैं फर्स्ट, ये देखें CH3 O माइनस, ये चीज हमने फर्स्ट लिख ली, देन उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला CH, ये वाला CH और क्लोरीन, और उसके बाद ये वाला पोर्शन कोट कर देंगे, ये देखिए ठीक है.
इसके बाद जी ये नेगेटिव चार्ज ऑन सा है, सेम इसी तरह ये फिर इस कार्बन पे अटैक करवाएगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, यानी कि स्केप हो जाएगा। सो ये क्लोरीन निकल गया यहाँ पे, और सेम इसी तरह ये वो दो मिथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन और कार्बन ने ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, बाकी क्लोरीन यहाँ से निकल गया, बाकी सेम वैसे वैसा। आई होप कि आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम।